पार्श्वनी शहर और ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर कोरोना संक्रमित रुकना जांच करने पर मिल रहे हैं, जो कि चिंताजनक है। उसी के चलते कोरोना का संक्रमण ना हो, इसलिए पार्श्वनी शहर सोमवार को पूरी तरह बंद रहा। छोटी बड़ी सभी दुकानें बंद रही। दुकानदारों ने लॉकडाउन ना होते हुए भी खुद ही अपनी दुकानें सुरक्षा की दृष्टि से बंद रखी है। वहीं यहाँ के छोटे बड़े अस्पतालों में सर्दी खांसी बुखार के रुग्ण दिन ब दिन बढ़ते जाने से यहाँ के छोटे बड़े अस्पतालों में भारी भीड़ दिखाई दे रही है। कोरोना बीमारी से अगर लड़ना है तो लोगों ने खुद ही अपनी सुरक्षा करना जरूरी है। घरों से बाहर ना निकले, मास्क का उपयोग नियमित करें, कोई भी लापरवाही ना करें, हाथों को नियमित साफ सुथरा रखें, हाथों को बार बार धोए, भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाए, सरकार की ओर से दी गई गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करें, नियमों की अनदेखी ना करें, सर्दी खांसी बुखार आने पर तुरंत नजदीकी अस्पताल जाकर जांच करें, डॉक्टरों की सलाह लें, अपने तरीके से किसी भी प्रकार की दवाई का सेवन ना करें, समय रहते कोरोना की जांच करें, अफवाह ना फैलाएं, सभी तरह की उपाय योजना का नियमित पालन करें ताकि अपनी और दूसरों की सुरक्षा की जा सके। प्रशासन को सहयोग करें, तभी कोरोना बीमारी से लड़ना संभव है। जन जागृति कर लोगों में विश्वास स्थापित करना नगर पंचायत प्रशासन का काम होते हुए भी इस काम में यहाँ का प्रशासन कमजोर नजर आ रहा है। वहीं यहाँ पर बड़े पैमाने पर कोरोना रुग्ण मिलने के बाद भी नगर पंचायत प्रशासन शहर में सैनिटाइज नहीं करने से नगर पंचायत प्रशासन कितना गंभीर है यह दिखाई दे रहा है। इसलिए नगर पंचायत ने तुरंत शहर में सैनिटाइजर कर शहर को कोरोना मुक्ति के लिए प्रयास करना जरूरी है। हम सबको पता है कि कोविड एक बहुत घातक इन्फेक्शन है। कोविड के कुछ लक्षण आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिए। सबसे पहले मुंह का टेस्ट जो रहता है, चाव बोलते हैं अपना, चाव बदल जाती है, और ठंडी लग के बुखार आना, हाथ पैरों में दर्द होना, और वायरल वायरल इन्फेक्शन है। तो वायरल इन्फेक्शन के या फ्लू के जो भी सिम्टम्स होते हैं वो कोविड के सिम्टम्स होते हैं। इसमें सबसे पहला काम है, अगर आपको सिम्टम्स आते हैं इनमें से कुछ भी, तो सबसे पहले आप डॉक्टर की सलाह लीजिए। डॉक्टर की सलाह लेने के बाद आप कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी कोविड टेस्ट कराइए। अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट और बेटर रेफरल सर्विसेज, यही इसका उपचार है। और इस तरफ अगर देखा जाए तो प्रशासन ने अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, बेटर रेफरल सर्विसेज की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से जो कंटेनमेंट जोन बने हुए हैं वो जोन आइडेंटिफाई करना चाहिए, वो जोन आइडेंटिफाई करके वहाँ के ट्रीटमेंट, वहाँ के पेशेंट्स को प्रायोरिटी पर ट्रीटमेंट करना चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़, सैनिटाइजेशन का जो प्रोग्राम होता है, सैनिटाइजेशन अभी बहुत कम हो गया है, जबकि सैनिटाइज करना चाहिए जो जो एरिया कंटेनमेंट जोन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पार्श्वनी में अभी वार्ड नंबर 5 एक कंटेनमेंट जोन बना हुआ है, तो अगर वो कंटेनमेंट जोन में अगर आप सैनिटाइजेशन करते हैं, घर घर का सैनिटाइजेशन होता है, तो बहुत कुछ इसमें कमी हो सकती है। फिर दूसरा, लोगों को एक अवेयरनेस होना चाहिए मास्क को लेकर, कि मास्क का यूज़ करना बहुत अच्छी बात है। आप जितना मास्क यूज़ करेंगे आप इससे प्रोटेक्टेड रहेंगे। सैनिटाइजर का यूज़ कीजिए, हाथ धोइए, आपके पास सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन से हाथ धोइए, और जितना जल्दी हो सके, और मैं सारे प्रैक्टिशनर, जितने भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर या जो बेसिक प्रैक्टिशनर अभी प्रैक्टिस करते हैं, मेरे उनसे एक ही अपील है कि आप लोग पेशेंट को तुरंत आइडेंटिफाई कीजिए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपको डे 1 एंटीवायरल थेरेपी पेशेंट को मिलनी चाहिए। अगर पेशेंट को आप डेथ प्रिवेंट कर सकते हैं, आप मोर्टेलिटी बचा सकते हैं, अगर आप डे 1 एंटीवायरल थेरेपी पर पेशेंट को डालते हैं, आप डे 1 एंटीवायरल थेरेपी पर पेशेंट को डालिए, जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से ट्रीट कीजिए, और पेशेंट को टेस्ट के लिए तैयार कीजिए, ताकि ये इन्फेक्शन आप किसी तरह से कंट्रोल कर सकें। कोरोना बीमारी के रोकथाम के लिए उपाय योजना करना जरूरी है। बीसीएन न्यूज के लिए पार्श्वनी से रुपेश खंडारी की रिपोर्ट।